आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जो राजस्थान बजट की सबसे बड़ी खबर है, 75,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, सीएम गहलोत के द्वारा राजस्थान बजट में घोषणा कर दी गई है कि 75,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से पदों में भर्ती होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हो, राजस्थान भर्ती परीक्षा की पल-पल की अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लो। पास में बने इस घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको आने वाले आगामी भर्ती परीक्षाओं की सबसे पहले अपडेट इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो हम दोस्तों जी राजस्थान न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पर आ चुके हैं। दो मिनट पहले की अपडेट है, यहाँ पर बता दें मुख्य बात लिखी हुई है बजट 2019 संबंधी, राजस्थान बजट 2019। यहाँ पर बताया है कृषि के अंदर 4,000 पद आने वाले हैं, शिक्षा विभाग में 21,600 और को ऑपरेटिव में 750 और आईटी के अंदर 800 और मेडिकल में 15,000 और उच्च शिक्षा में 1,000 और स्किल और रोजगार में 1,500 और वन में 1,414 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन सभी पदों में भर्ती होने वाले, जैसे ही इनकी रिक्रूटमेंट जारी होती है सबसे पहले अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बाय।